हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रचना रसोई रेसिपी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मशरूम चिली। हमने पोटैटो चिली और पनीर चिली बना लिया है, अब मशरूम चिली हम बनाने जा रहे हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। तो यहाँ पर हमने मशरूम ले लिया है, इसको हमने दो दो टुकड़ों में काट लिया है। बड़े मशरूम को काट लिया है, छोटे को ऐसे ही रहने दिया है। ये देखिए, छोटा था तो इसको हमने ऐसे ही रहने दिया है और बड़े को हम दो पीस में काट लेंगे। तो इसमें हम डालेंगे एक चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर और एक चम्मच ही डालेंगे इसमें मैदा। जितना कॉर्नफ्लोर लेंगे उतना ही मैदा ले लेंगे। और इसमें हम डालेंगे नमक। नमक हमने डाल दिया। अब डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो हाथों से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कॉर्नफ्लोर और मैदे को मिला लिया है। तो हमने दो टेबल स्पून पानी डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमने यहाँ तेल चढ़ा दिया था। तेल में मशरूम डालेंगे और फ्राई कर लेंगे। तो ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना पड़ता है और टाइम भी नहीं लगता इसको फ्राई करने में। बस हल्का कलर इसका चेंज हो जाए तब तक हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मशरूम का कलर चेंज हो गया है और ये फ्राई हो चुका है। बस इससे ज़्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करना है। तो उसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अब हम सॉस बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक टेबल स्पून तेल चढ़ा दिया है। तेल गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे लहसुन और अदरक। हमने बारीक बारीक काट लिया है। इसको थोड़ा सा हम तेल में भून लेंगे। और यहाँ पर हमने एक शिमला मिर्च और एक प्याज को काट लिया है स्क्वायर शेप में, इसको भी डाल देते हैं। और इसको एक मिनट तक हम भून लेंगे, थोड़ा सा ये क्रंच हो जाए। ज़्यादा हम इसको नहीं भूनेंगे। अब हम यहाँ पर डालेंगे सॉस। तो यहाँ पर हम दो टेबल स्पून टोमेटो सॉस डाल देते हैं। और हम आधा चम्मच डालेंगे ग्रीन चिली सॉस, जिसे हम टोमेटो सॉस जो डाले हैं, ये ग्रीन चिली सॉस डालने से मीठा मीठा नहीं लगेगा, इसको बैलेंस कर लेगा। और आधा चम्मच डालेंगे हम सेजवान चटनी। ये चटनी आपके पास नहीं हो तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है ये। और एक चौथी चम्मच हम डालेंगे इसमें सोया सॉस और एक चौथाई चम्मच डालेंगे इसमें विनेगर। तो यहाँ पर हमने सारे सॉसेस डाल दिए हैं, इसको हम अब मिक्स कर लेंगे। अब हमने यहाँ एक चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर ले लिया है। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप यहाँ कॉर्नफ्लोर पाउडर ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी और इसको हम मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे। तो ये कॉर्नफ्लोर डालते ही हमारा यहाँ पे एकदम सूखा होने लगेगा, ड्राई होने लगेगा। तो आपको अगर यहाँ पे और ग्रेवी अगर चाहिए तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। तो हमने पानी डाल दिया है दो टेबल स्पून और। अब इसको हम दो मिनट के लिए पका लेंगे। नमक भी डाल देते हैं थोड़ा, ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि हमने मशरूम में भी नमक डाला था और सॉस में भी नमक होता है। तो गैस को हमने मीडियम कर लिया है। अब इसके बाद हम डालेंगे ये मशरूम जो हमने फ्राई करके रखा था। सारे मशरूम को डाल देते हैं।
बस मशरूम डालने के बाद आधे मिनट तक बस पकाएंगे इसको, उसके बाद गैस बंद कर देंगे। तो हम यहाँ ड्राई बनाए हैं, अगर आपको ग्रेवी वाला चाहिए तो आप 1 कप पानी डाल सकते हैं इसमें, पानी की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। तो हम गैस को अब बंद करेंगे। ये हमारा मशरूम चिली बनकर रेडी हो गया है, हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने यहाँ पर हरा धनिया भी डाल दिया है, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसी में। तो फ्रेंड्स, ये मशरूम चिली बनकर रेडी हो गया है, आप भी अपने घर में ज़रूर से बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। और मुझे तो मशरूम बहुत पसंद है, आपको पसंद है कि नहीं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे को। तो आप भी अपने घर में ये मशरूम चिली बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।